स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, लड़कियों की शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास के लिए निरंतर कार्य करने वाली छत्तीसगढ़ की अग्रणी संस्था स्वयं सिद्धा द्वारा स्टील क्लब में शनिवार को महिलाओं की प्रतिभा को निखारने व महिलाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया। जज के रूप में दीपेंद्र हल्दर पहुंचे। आयोजन को लेकर स्वयं सिद्धा संस्था की अध्यक्षा सोनाली चक्रवर्ती ने मीडिया को जानकारी दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा से वही है जो स्वयं सिद्धा का रहा है कि विवाहित महिलाओं की प्रतिभा को मंच व सम्मान देना। बहुत से लोग हैं जो पहले गाते थे लेकिन बाद में विवाह पश्चात उन्होंने गाना छोड़ दिया, तो एक प्रतियोगिता है और देश में अभी राममय वातावरण भी है, साथ में 26 जनवरी भी था जो हमारा 75वां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को समर्पित किया। तो हमने इसलिए महिलाओं के द्वारा भजन व देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता रखी, जिसमें ये इस साल का हमारा पहला इवेंट है। तो सारे सदस्यों का आपसी मुलाकात, एक गेट टुगेदर भी हो और महिलाओं को मंच भी दे। आज बहुत सारी महिलाएं जब अंदर परफॉर्मेंस के बाद रो पड़ी तो पता चला कि एक मंच उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 3 ज्यूरी पुरस्कार हैं और सभी सदस्यों की, सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सभी के लिए सर्टिफिकेट्स हैं और वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा उनके लिए FB लाइव प्रोग्राम का भी पुरस्कार। उद्देश्य लेके चलती हूँ, महिलाएँ शिक्षित, जागृत, समर्पित और जागरूक होंगी तो वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाएंगी और जब बच्चों को सही संस्कार देंगी तो देश के लिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। सरहदों पे लोग देश की रक्षा कर ही रहे हैं, हम सरहदों के अंदर क्या कर सकते हैं तो हमारे संस्कारों की, परंपराओं की रक्षा कर सकते हैं और ये काम सिवाय होम मेकर्स के, गृहिणियों के, माताओं के कोई नहीं कर सकता। हर अपराधी के पीछे आप पुलिस नहीं लगा सकते लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कारित तो कर सकते हैं। तो बस यही उद्देश्य है कि माताओं को जागरूक रखना जो भी एनवायरमेंट है।